Hey guys and welcome back to my channel. मैं हूँ सुरियन गर्नल इन यूरोप आज जो है वो ऑफकोर्स लग्जम्बर्ग का एक नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट है लग्जमबर्ग सीरीज जो है वो आप बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप इस पर्टिकुलर कंट्री में बहुत इंटरेस्टेड हो बाकी अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है सू चैनल का नाम है इंडियन गर्ल इन यूरोप और अगर आपको मूव करना है अब्रॉड या यूरोप में तो बेसिकली ये चैनल हेल्प करेगा ऑलरेडी आप हमारे व्यूअर्स हैं तो थैंक्स और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन यहाँ पर रहती है सिर्फ इंफॉर्मेशन वमेशन नहीं बाकी काफ़ी इंटरेस्टिंग वन जैसा मैंने आपको बताया तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे जैसे टाइटल देख के समझ में आ रहा है वीडियो स्टार्ट कर वेल well, अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं हाउ टू फाइंड जॉब इन लग्जमबर्ग तो ऑलरेडी उसके कुछ वीडियोस हैं प्लस एक मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है वो प्लेलिस्ट देख सकते हो आप जिसमें सारे वीडियोस हैं लग्ज़म के बारे में और हाँ लास्ट वीडियो में जो मैंने बताया था कि आई गॉट जॉब इन लग्ज़म तो उसका पूरा कोर्स है जो मैंने आपके लिए बिल्ड किया है ताकि आपको एक हेल्प मिल जाए बहुत ही मिनिमल प्राइस पर दे रही हूँ तो प्लीज़ चेकआउट लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो आज हम बात करेंगे एज ए सिंगल पर्सन या एज ए कपल अगर मूव करना है लक्ज़म को अगर आपको जॉब मिल गई है तो उसके एक्सपेंसेस क्या होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो लेट्स गेट स्टार्टेड टाइम बिना कुछ वेस्ट करे हुए तो जैसा हमने जर्मनी के बारे में वीडियो बनाया था ये भी वही है इसमें हम बात करेंगे कि आपका जो एक्सपेंसेस है रहने का एकोमोडेशन का कितना कॉस्ट आएगा ट्रैवल एक्सपेंसेस फ्लाइट टिकट्स के क्या टिप टिप्स हो सकते हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको फ्लाइट टिकट सस्ते मिले प्लस वीज़ा का क्या कॉस्ट होता है या फिर वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो वो सारी चीज़ें हम इसमें बात करेंगे कुछ हम थोड़ा वो भी बात करेंगे थोड़े कल्चरल डिफरेंसेस जिससे आप मनी जो है वो सेव कर सकते हो जब आप यहाँ पर आते हो तो इट विल बी रियली डिफरेंट यूरोप में तो वो सारे हम बात करेंगे और ऑफ कोर्स हम जॉब अपॉर्चुनिटीज के भी बारे में बात करेंगे जो हम लास्ट पॉइंट में बात करेंगे तो हम जल्दी जल्दी से सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो देखते हैं कितने प्लस आप बिना लास्ट में जाए हुए बताओ कितने हो सकते हैं सिंगल पर्सन के एक्सपेंसेस प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन एंड कपल के एक लाख दो लाख दस लाख पचास लाख प्लीज़ जो भी मन में आ रहा है वो कमेंट बिलो अच्छा अगर आपको लग्जमबर्ग के बारे में कुछ भी इंटरेस्टिंग चीज़ दिमाग में आ रही है पीछ पिछले जो भी वीडियोस हैं वो देख के वो कमेंट करो आज मैं अपने गार्डन में वीडियो बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है सबसे पहले बात करते हैं वीज़ा की वीज़ा की रिक्वायरमेंट का यही है कि अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपको जो भी एम्प्लॉयर है उससे जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उसके बेसिस पर वीज़ा जो है वो आपको मिलता है वीज़ा में कुछ चीज़ें होती हैं जैसे पासपोर्ट हो गया और कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो मैं यहाँ डाल दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में इट इज़ नॉट सो मच उसके बेसिस पर आपको वीज़ा मिलता है सबसे अच्छी बात यह है कि वीज़ा जो है वो सिर्फ दो वीक्स में आपको आ जाता है तो कॉस्ट की बात करें तो सिंगल पर्सन का कॉस्ट होता है 80 यूरोस लगभग साढ़े सात हज़ार के करीब इंडियन रुपीस, विच इज़ नॉट सो मच और आपको खुद अप्लाई करना होता है तो ये कॉस्ट जो है वो आपको बेयर करना पड़ेगा देन अगर हम एज ए कपल की बात करें तो 80 प्लस 80 160 सिक्सटी यूरोज जो होगा उसका वीज़ा का कॉस्ट होगा हो सकता है कंपनी जो है ये वीज़ा वगैरह ये सब चीज़ें जो हैं बाद में आपको री कर दे बट इनिशियली तो आपको इंडिया से वीज़ा जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा तो हम बात करें फ़्लाइट फ़्लाइट की बात करें तो ऑफकोर्स यूरोप में फ़्लाइट्स अब काफ़ी महंगी हो गई हैं कोविड के बाद से पहले थोड़े सस्ते टिकट मिल जाते थे पर अब थोड़ा डिफिकल्ट होता है वो भी उस केस में जब आप पहली बार मूव कर रहे हैं यूरोप में इंडिया से तो मैं ज्यूम कर रही हूँ कि आप पहली बार मूव करोगे तो आपके पास सामान भी ज़्यादा होगा और अगर आप एयर इंडिया एयर विस्तारा इस तरीके की फ़्लाइट से आओगे तो आपका लगेज अलाउंस ज़्यादा हो जाता है कम्फर्टेबली आप यहाँ पर आ जाओगे प्लस आपका स्टॉप नहीं होगा तो बहुत ही ईजीली आप आ जाओगे क्योंकि स्टॉप्स होते हैं तो आपको इधर से उधर भागना पड़ता है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक स्टोरी शेयर करती हूँ जब मैं जर्मनी मूव हुई थी तो मैं अकेली आई थी अपने हस्बैंड को यहां पर ज्वाइन किया था मैंने सिर्फ आने का टू ट्वेंटी टू थाउजेंड का टिकट कराया था पर तीन बीच में स्टॉप्स थे पर मैं बिकॉज बहुत इंजॉय करती हूँ यहाँ वहाँ वहाँ ऑफकोर्स मुझे भागना पड़ा था बहुत ज्यादा इधर से उधर बट तीन स्टॉप के बाद सिर्फ मेरे को ट्वेंटी में फ्लाइट मिल गई थी जो काफी सस्ती थी और मैंने सिर्फ दो दिन पहले कराया था क्योंकि मेरा वीज़ा बहुत लेट आया था बट अगर हम यहाँ की बात करें क्योंकि आप मूव करोगे फैमिली के साथ एजे एज सिंगल तो मैं यहाँ सजेस्ट करूँगी कि आपको एक अच्छी फ्लाइट लेनी चाहिए डायरेक्ट हो तो बहुत अच्छी बात है अगर डायरेक्ट नहीं हो तो यहाँ पर जैसे कनेक्टिविटी की बात करें तो न्यू डेली से जूरिश जो स्विट्ज़रलैंड है वहाँ की कनेक्टिविटी अच्छी है म्यूनिक की कनेक्टिविटी अच्छी है पैरिस की कनेक्टिविटी अच्छी है पैरिस की फ्लाइट्स जो है वो सस्ती मिल जाती हैं कंपेयर टू अगर हम म्यूनिक या ज्यूरिश से बात करें पर इसकी कनेक्टिविटी अच्छी है तो इसका जो कॉस्ट है ऑन एन एवरेज सिंगल 600 हंड्रेड यूरोज आएगा एंड अगर हम कपल की बात करें तो 1200 हंड्रेड यूरोज आएगा और ये भी हो सकता है अगर आप कुछ ऑफर्स चल रहे हैं या पहले से कराते हैं या वन स्टॉप में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको इससे भी सस्ते जो है वो टिकट मिल सकते हैं पर ये जो है वो एवरेज है जो सबसे ज़्यादा महंगा आपको आई थिंक यही पड़ेगा अदर देन एकामोमोडेशन क्योंकि उस पर मैं अभी आऊँगी नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन की सबसे अच्छी बात दुनिया भर में सिर्फ एक ऐसी कंट्री है लग्जमबर्ग जिसमें विदिन लग्जमबर्ग सिटी या विद इन लगजमबर्ग में ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ज़ीरो है हाँ आप मानोगे नहीं बट हाँ कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगता सब कुछ फ्री होता है मैं मान लेती हूँ आप ज्यूरिश में क्योंकि आपको विदिन कंट्री में तो कोई आपको सब कुछ फ्री होगा लेकिन आप ज्यूरिश से पेरिस से या म्यूनिक से ट्रैवल कर रहे हैं मतलब अगर आपकी फ़्लाइट वहाँ तक है तो आपको बहुत सारी ट्रेन मिल जाएंगी जो हाई स्पीड ट्रेन होती हैं जिसका लगभग लगभग छः घंटे टाइप्स आपको टाइम लगेगा छः से सात घंटे फ्रॉम यूनिक और ज्यूरिश और अगर हम बात करें इसकी पेरिस की तो पेरिस में चार से पाँच घंटे लगेगा पेरिस से जनरली बहुत सारे ऑफर्स होते हैं लग्ज़मबर्ग तक के तो आपको कम टिकट मिलेगा बहुत अच्छे ऑफर्स मिल जाएंगे पर बाकी दो सिटीज़ की बात करें तो आप मान लो सिंगल का फोटी नाइन से आ, हंड्रेड यूरोस तक का टिकट हो जाएगा एंड अगर आप कपल की बात करें तो ऑफ़कोर्स आप इसको डबल कर लो हंड्रेड यूरोस तो वन नाइन्टी नाइन यूरोस तो आप उनकी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं ओमियो करके है डीबी करके है और आप जब भी गूगल पे डालोगे तो आपको मिल जाएगा वैसे अगर आपको इससे रिलेटेड और कुछ जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको ट्रेन टिकट्स कहाँ से जो है वो सस्ते मिल सकते हैं अब हम आते हैं फूड ग्रॉसरी या अदर चीज में अगर आपको आप जब आओगे तो आपके विदिन आप, लाइक like एक वीक में काफ़ी ज़्यादा खर्चा होगा फूड का ग्रॉसरीज का क्योंकि आप वो सब चीज़ें तो ले नहीं आ पाओगे तो अगर हम उसकी उस कॉस्ट की बात करें तो सिंगल के लिए फिफ्टी यूरो से हंड्रेड यूरोज की बात हो जाए और फिर देन सेकेंड अगर उसकी बात करें तो 100 यूरो से 250 यूरो से तक जो कपल है उसका खर्चा हो सकता है इसमें आप इंटरनेट भी इंक्लूड कर सकते हो जो सिम आप लोगे लोगे जो जो इनिशियली सिम वो भी इंक्लूड कर सकते हो तो एक वीक का आप इतना खर्चा मान लो ये बहुत ही मिनिमम है क्योंकि लगजम जो है वो थोड़ा महंगी ए, सिटी है बट ये मिनिमम कॉस्ट है इतना तो आपको लगेगा इससे ज्यादा भी लग सकता है बट दिस इज एन एवरेज अब हम बात करते हैं भारी भरकम बात की वो है एकोमोडेशन एकोमोडेशन मैंने पहले भी बताया था लक्जमबर्ग जो है वो काफी एक्सपेंसिव है सबसे ज्यादा इन टर्म्स ऑफ रियल स्टेट या काफ़ी महंगे हैं यहाँ पर सैलरीज हाई हैं तो का कॉस्ट या जो एक्सपेंसिव सिटी है वो तो है ही है क्योंकि अगर आपकी अर्निंग अच्छी होती है तो आपके एक्सपेंसिस भी उतने ही होते हैं पिछले वीडियो में मैंने कुछ बात भी करी थी इससे रिलेटेड तो अगर हम एकोमोडेशन की बात करें तो काफी सारी वेबसाइट्स होती है जिसमें आप पहले से पहले इंडिया से सर्च कर सकते हो अकोमोडे But in case आपको नहीं करना तो कुछ सिंगल की अगर हम बात करें फुलश्ड होते हैं तो थोड़े महंगे हो सकते हैं फॉर इनिशियल कुछ मंथस तो थाउजेंड यूरो से आप मान लो टू थाउजेंड यूरो तक सिंगल पर्सन के लिए अगर आप एज ए कपल हैं तो आपको थोड़ा बड़ा अपार्टमेंट चाहिए होगा उस केस में आप मान लो फिफ्टीन हंड्रेड यूरो से टू थाउजेंडी एट हंड्रेड यूरोज़ तक हाँ ये इतने महंगे होते हैं क्योंकि ये फुली फर्निश्ड होते हैं प्लस टेम्प्ररी होते हैं एक बेस्ट पार्ट ये होता है कि आप टेम्प्ररी एक महीने के लिए रह सकते हो यहाँ पर और आप अपने मन का अपार्टमेंट ले सकते हो अनफर्निश्ड और फिर उसमें शिफ्ट हो सकते हो एक महीने में तो ये एक ऑप्शन काफ़ी अच्छा है थोड़ा ज़्यादा आपको पैसा देना पड़ता है लाइक 500 से 1000 थाउजेंड यूरोज एक्स्ट्रा पर आपको आपके मन का अपार्टमेंट मिल जाता है जो आप खुद देख के जो है वो ले सकते हो अगर आप इंडिया से बैठे हुए लोगे तो मे भी आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे तो आई वुड सजेस्ट कि आपको यहाँ आना चाहिए इस तरीके के अपार्टमेंट में रहना चाहिए फॉर वन मंथ एंड देन वन मंथ में आपको कुछ अच्छा मिल जाता है तो वहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए अब यहाँ पर आप आपको एक चीज जो हैवी अमाउंट होता है वो रेंट और कॉशन मनी होता है रेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कॉशन मनी जो है वो टू से थ्री मंथ्स का देना पड़ता है जनरली टू मंथ्स का देना पड़ता है तो सिंगल के लिए अगर हम बात करें तो अराउंड थ्री थाउजेंड यूरोज आप लगभग ले चलो कि आपको कॉशन मनी देना पड़ेगा और अगर हम कपल की बात करें तो फोर थाउजेंड यूरोज आपको कॉशन मनी मिनिमम देना ही पड़ेगा इससे ज़्यादा भी देना पड़ सकता है बट अच्छी बात यह है कि आप कंपनी से जो है वो एडवांस ले सकते हो जिस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो आप और उन्हें जो है वो इंस्टॉलमेंट में ये पैसा दे सकते हो तो अगर आपको ये अमाउंट हैवी लग रहा है तो आप जस्ट आस्क फॉर कि हमें ना मतलब रेंट देने के लिए या कौशन देने के लिए इतना पैसा चाहिए और वो 500 यूरोस या 1000 यूरोस की आप जो है वो इंस्टॉलमेंट में कंपनी को दे सकते हो विद जीरो परसेंट इंटरेस्ट या एनीथिंग फिर बात आई वन मंथ इनिशियल वन मंथ का भी आपका खर्चा होगा जो कि सिंगल पर्सन का सिक्स हंड्रेड मान लो और कपल का थाउजेंड यूरो जो कि होगा ग्रॉसरीज रेस्टोरेंट्स डाइन आउट कॉफ़ी शॉप्स घूमोगे आपको आओगे तो घूमोगे फिरोगे तो ये इतना आप मान लो इसके बाद आप यूरोप में आओगे तो आप घूमोगे फिरोगे वन डे ट्रिप करोगे तो वन डे ट्रिप का यहाँ पर कॉस्ट होता है सिंगल पर्सन का हंड्रेड यूरोस के लगभग uh, एक सिंगल पर्सन का कपल की बात करें तो 100 से 200 हंड्रेड में वो मैनेज कर लेते हैं अगर आप कहीं नहीं रुक रहे हो तो कहीं रुक रहे हो तो आप मान लो होटल का भी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है फोर्टी यूरो से हंड्रेड यूरोस तक जो है वो होटल अपार्ट होटल का कॉस्ट होता है तो वो है एयरबीएनबी uh, भी थोड़े महंगे होते हैं तो इनिशियली एयरबीएन में ना रह के हॉस्टल में रह सकते हो जो काफ़ी सस्ते होते हैं वो ऑप्शंस भी आप देख सकते हो जिससे आप थोड़ा सा खर्चा बचा सकते हो तो अगर आप कैलकुलेट करो आई डोंट नो किन लोगों ने इनिशियली मैंने पूछा था कि आप प्लीज़ कमेंट करो कि कितना खर्चा हो सकता है पर अगर आपने कमेंट किया हो सो थैंक यू और अगर आपने सही कमेंट किया हो तो यू आर द लकी वन मतलब आपने आपके जो नंबर्स में हाथ हैं वो काफ़ी अच्छे हैं या आपको पता है कि कितने एक्सपेंसेस हो सकते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ जब हम सब कुछ कैलकुलेट करेंगे तो एज ए अगर सिंगल पर्सन है तो उसे इनिशियली 5,500 थाउजेंड यूरो से सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड यूरोज़ तक जो है वो लेके आना पड़ेगा या इतना अमाउंट जो है वो सेव करना पड़ेगा मूव करने के लिए जो ऑफ कोर्स आप बाद में निकाल लोगे क्योंकि आपकी सैलरी अच्छी होगी और आप सेव ज़्यादा कर पाओगे पर मंथ जो कि अराउंड फाइव लैक्स से फाइव लैक एट्टी थाउजेंड के लगभग होगा इनिशियल अमाउंट जो मैं आपको बोलूँगी विच इज़ नॉट सो मच अगर आप किसी कंट्री में मूव कर रहे हो बहुत सारी कंपनीज ये अमाउंट जो है वो आपको रीलोकेशन uh, अमाउंट भी पे कर देती है तो आपको दिमाग में होगा भी कि यार रीलोकेशन अमाउंट में साढ़े पाँच लाख से साढ़े छः लाख तक अगर सिंगल मूव कर रहा हूँ तो मैं इतना मांग सकता हूँ क्योंकि इतना तो मेरा खर्चा होगा ही तो दिस कैन बी योर री लोकेशन अमाउंट फिर इसके अलावा अगर आपको सामान भी शिफ्ट करवाना है बाकी सारी चीज़ें भी करवाना है और कंपनी इज़ रेडी टू पे यू तो आप और ज़्यादा नेगोशिएट कर सकते हो अब हम बात करते हैं कपल की कपल का थोड़ा ज़्यादा ख़र्चा होगा वो होगा अराउंड एट थाउजेंड वन हंड्रेड यूरोज से नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड यूरोस तक जो अगर हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो वो होगा सेवन लैख थर्टी सेवन थाउजेंड से एट लैख सेवेंटी एट थाउजेंड के लगभग अगर आप मेरे जैसे बाद में ज्वाइन करोगे अपने हस्बैंड को तो काफ़ी कम में आप जो है वो निकाल लोगे क्योंकि मैंने काफ़ी कम में टिकट कर लिया था मैं ज़्यादा सामान नहीं लाई थी मैंने यहीं आगे सब कुछ खरीदा था ऑफ कोर्स मैंने कुछ चीज़ें इंक्लूडेड नहीं करी जैसे आपकी शॉपिंग हो गई बाकी सारी चीज़ें क्योंकि मुझे पता है जब आप इनिशियली आते हो तो थोड़े टाइम तक आप देखते हो कि आपके कितना खर्चा हो रहा है आपकी सैलरी कितनी आ रही है उस हिसाब से आप जो है अपना खर्चा करते हो फिर आगे की जितनी भी मंथ्स होते हैं उस हिसाब से तो इसलिए मैंने नहीं उसको कंसीडर किया बट दिस कैन बी योर इनिशियल अमाउंट कुछ कंपनीज जो हैं वो एज ए अपार्टमेंट भी आपको फॉर सम टाइम कुछ कम पैसों में दे देती है अगर इस तरीके की कंपनीज़ के पास कुछ ऑप्शन हैं तो वो भी बहुत अच्छा है बट अगर आप भी लग्ज़म वक्त में जॉब ढूँढ रहे हैं और आप सोच रहे हैं ये सीरीज़ बहुत हेल्पफुल है तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर छोड़ देना इट्स रियली हेल्पफुल सुर और अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है लग्जमबर्ग से रिलेटेड तो कमेंट करो क्योंकि मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर देने आती रहूँगी टाइम टू टाइम अफकोर्स जॉब इन लग्ज़मबर्ग का जो टिप है वो आप प्लीज़ प्लीज प्लीज़ प्लीज प्लीज वो कोर्स देखो और फाइंड आउट करो जॉब ताकि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे जब आप मूव करो यहाँ पर लग्जमबर्ग uh, में सो सिक्योर अ जॉब इन लगजमबर्ग करके कोर्स है बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा बहुत बड़ा नहीं है छोटा कोर्स है बट जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब कुछ वहाँ पर शेयर करिए अच्छा हाँ मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि कल्चरल डिफरेंसेस जो आपके मनी सेव करेंगे तो अगर आप पानी का सोच रहे हो कि रेस्टोरेंट्स में पानी मिल जाएगा प्लीज़ मत लेना बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है तो ग्रॉसरी स्टोर्स होती हैं सुपर मार्केट्स होते हैं वहाँ से आप अपना पानी खरीद सकते हैं जो बहुत ज़्यादा सस्ता मिलता है कंपेयर टू अगर आप बाहर से खरीदो खुद ही लेके जाओ घर से आप टैप वाटर पी सकते हैं रेस्टोरेंट्स काफी महंगे होते हैं तो डोनर शॉप हो गई या फिर नूडल शॉप हो गई उससे आप काम चला सकते हो ग्रॉसरी स्टोर्स पे भी रेडी टू तो ईट या फ्रोजन मटेरियल मिलते हैं आप उससे काम चला सकते हो इंडियन रेस्टोरेंट्स काफी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं तो प्लीज इनिशियली वहाँ पर मत जाओ के अलावा अगर डे ट्रिप करो तो हॉस्टल्स वगैरह में जाओ तो ये कुछ डिफ्रेंस हैं जो इंडिया में जो होते हैं वो इतने आपको नोटिसबल नहीं होते बट पर आपका कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे तो जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट एंड सॉरी मैं भूल गई थी तो मैं फिर से आई हूँ उसे बताने के लिए एंड इससे रिलेटेड लाइक कल्चरल डिफरेंसेस से रिलेटेड like एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगी जिससे मैं और भी सारी चीजें शेयर करूंगी और सेकेंड बात इज़ अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटी की तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं और होने वाली हैं इन सम समयस तो आपके लिए काफ़ी अच्छा चांस है अगर आपको अभी कोई जॉब मिल जाता है तो आगे चल के भी आपके मूव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे जिससे बेसिकली आपकी सैलरीज भी बढ़ेगी और आपको अच्छा एक्सपोजर मिलेगा कैरियर से रिलेटेड होप दिस हैज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ये इंपॉर्टेंट है गाइज़ आगे लॉन्गर रन के लिए और अगर आप कोई भी कंट्री से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं उससे रिलेटेड क्या देखना चाहते हैं वो ज़रूर कमेंट करना एंड मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में बाय